अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में आपको और एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो एक ज्योतिष विशेषज्ञ है और सामाजिक चिंतक है। आप हैं आचार्य देवेंद्र आर्य जी। आचार्य देवेंद्र आर्य जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है ट्रू मीडिया के सभी दर्शकों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। आचार्य जी, आपके ज्योतिष के अनुसार ये जो कोरोना संक्रमण है, कोरोना की बीमारी है, इस सृष्टि में कब तक रहेगी? यह बीमारी जो है अब अपने जाने के अंतिम पड़ाव पर है जी। इसका ज्यादा समय नहीं है कि यह ज्यादा समय नहीं लेगी, यह एक खत्म होने के कगार पर है। वैक्सीनेशन भी आ चुकी है और मनुष्य के अंदर अब इससे लड़ने की क्षमता भी इसके अंदर पैदा हो रही है, तो यह ज्यादा से ज्यादा दिसंबर तक हम इस पर समाप्ति की ओर आ जाएगी। वैसे कहा जा रहा है कि इसकी तीसरी लहर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यह तीसरी लहर जो है इतनी ज्यादा घातक होगी। और यह है कि बीमारी यह खत्म नहीं होगी, यह नॉर्मल जैसे कि डायबिटीज है या अन्य बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, इस तरह प्रकार से यह रहेगी, लेकिन यह कभी भी अब घातक रूप में नहीं रहेगी। यह आम जैसे सर्दी खांसी जुकाम होता है उस प्रकार से यह रहेगी। वाह वाह आचार्य जी, आपके सकारात्मक जवाब से तो बड़ा मन प्रफुल्लित हो रहा है। लोग तो बहुत चिंतित हैं कि बीमारी हमारी जान लेकर जाएगी, लेकिन आचार्य जी बता रहे हैं कि इससे इसके घातक होने की संभावना अब नहीं है। जो इसकी पिकावर थी वो अब आ चुकी है, तीसरी लहर आने की आप घातक साबित नहीं होगी। आचार्य जी, अगले प्रश्न की ओर आपकी तरफ चलते हैं कि जैसा कि हमारा ज्योतिष विज्ञान का इतिहास बताता है कि ज्योतिष पुरोधाओं ने किसी भी इस सृष्टि पर आने वाली आपदा को, घटना को पूर्व संकेतित किए हैं कि आगामी समय में इस सृष्टि पर ये घटना या ये आपदा आने वाली है। तो कोरोना संकट, कोरोना वायरस के आने से पहले ज्योतिषियों ने इस पृथ्वी, इस सृष्टि के लोगों को सचेत क्यों नहीं किया? अगर सचेत किया था तो ये महामारी का रूप कैसे बनी? देखिए, ऐसा नहीं है कि ज्योतिष ने नहीं बताया। ज्योतिष जो है अपनी गणना के अनुसार कई लोगों ने, कई ज्योतिषाचार्यों ने यह घोषणा करी थी कि 2020 में कोई ना कोई महामारी अवश्य ही आएगी और यह बहुत ज़्यादा घातक होगी और यह बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करेगी, इसके गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन इस भविष्यवाणियों को गंभीरता के साथ नहीं लिया गया, इस पर गौर नहीं करा गया और उसके परिणाम हमें आज गंभीर भुगतने पड़ रहे हैं। आप ये मानते हैं कि अगर ज्योतिष के कही अनुसार इस सृष्टि के लोगों ने अपना बचाव किया होता तो आज इतना, इतना नुकसान, जान मान का नुकसान नहीं झेलना पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े संतोषजनक आप अपने जवाब हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। आचार्य जी, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आचार्य जी, मेरा अगला प्रश्न है कि ज्योतिष विज्ञान में जो भी भविष्यवाणी की जाती है, क्या ये कोई तर्क होता है या सिर्फ एक बयानबाजी होती है? इसके बारे में भी हमारे दर्शकों से कुछ साझा करें। देखिए, ज्योतिष जो है यह इसके अंदर जो भी भविष्यवाणी करी जाती है यह तर्क या मनगढ़ंत नहीं होती। ज्योतिष जो है, इसका नाम ही कहा गया कि ज्योतिष एक विज्ञान है, यह गणना पर आधारित है। यह अपनी गणना करने के बाद ही किसी बात को कहता है कि इसके होने की संभावना है। लेकिन ज्योतिष की जो भविष्यवाणियाँ होती हैं, जो भी संभावनाएँ होती हैं भविष्य के लिए, मनुष्य कभी भी पूर्ण 100% भविष्यवाणी नहीं करता। ज्योतिष की जो संभावनाएं होती हैं वह 70% तक सत्य साबित होती हैं। एक संभावना होती है कि भविष्य में मनुष्य को सजग और सचेतक कर दे कि ऐसा होने की संभावना, जिससे कि वह सजग होकर के और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। तो आचार्य जी, आप ये मानते हैं कि जो आपका ज्योतिष विज्ञान है उसमें जो गणित होता है, गणित जो गणित का विज्ञान होता है, उसमें मात्र 70% की जो बातें होती है वो सत्य होती है। 100% तो सिर्फ ऊपर वाला ही सत्य करता है, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता इस सृष्टि से। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि यह सृष्टि का जो संचालन है वह ईश्वर के हाथ में है और अंतिम जो निर्णय होता है, अंतिम जो फैसला होता है वह उसका ही होता है और भविष्य कभी भी 100%
कहा ही नहीं जा सकता। वाह वाह वाह। आपने एक और भी देखा होगा कि हमारा विज्ञान भी अगर मौसम की पूर्व गणना करता है तो वो अनुमान लगाता है 100% नहीं, कोई भी विज्ञान सिर्फ नहीं, व्यक्ति को सचेत करता है। हाँ जी। कि आपके आसपास कोई आपदा या कोई नुकसान होने वाला है। हाँ, आप सचेत रहे। हाँ जी। आचार्य जी, आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ट्रू मीडिया का भी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।